नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों के जो स्टार प्रचारक हैं वो अपनी अपनी पार्टी को विजय कराने के लिए पूरी कोशिश पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आज हरियाणा की राजनीति में जो इंडिपेंडेंट या आजाद उम्मीदवार है वो दूसरी बड़ी पार्टियों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी गिनती 12 से 15 के करीब आंकी जा रही है। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बड़े अच्छे जानकार हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कारण है कि ये जो आजाद उम्मीदवार है ये बड़ी पार्टियों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मेहरा साहब, आज सभी पार्टियों के जो स्टार प्रचारक हैं वो अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके हरियाणा में जो समीकरण बन रहे हैं उसमें 12 से 15 जो उम्मीदवार हैं वो आजाद उम्मीदवार या क्षेत्रीय पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये जो उम्मीदवार हैं आजाद उम्मीदवार या क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवार ये बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं? बहुत ही रोचक विषय की पे चर्चा आज आपने शुरू की राजेंद्र जी। और इस चुनाव में अगर हम देखें तो दोनों पार्टियां इस चुनाव में चिंतित हैं, जो इनके बागी उम्मीदवार हैं या जो रीजनल पार्टियों के जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने 12 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि डेढ़ दर्जन लगभग 18 विधानसभा क्षेत्रों में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और विभिन्न जो रीजनल पार्टियों के उम्मीदवार हैं, चाहे आप पार्टी के हों, चाहे INLD के हों, चाहे जजपा के हों, वो उम्मीदवार दोनों पार्टियों पर भारी होते जा रहे हैं। अच्छा, और चुनाव का मैं अंतिम दौर तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव अपनी चरम पे है, यौन पे है। अभी चुनाव के 8 दिन मान के चले, 8 दिन बचे हैं प्रचार के लिए जी। क्योंकि जो 3 अक्टूबर की शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो यौन पर इसलिए कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य स्टार प्रचारक हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो दूसरी बार आज गोहाना में उन्होंने रैली की है। बिल्कुल ठीक है। और कल जैसे खबरों में भी पता चल रहा है कि असंध से जो कांग्रेस पार्टी के जो स्टार हैं वो कल से रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि कितने विधानसभा में वो राहुल गांधी चुनाव जनसभा करेंगे और अभी और कितनी बार जो प्रधानमंत्री यहाँ पे हरियाणा में आएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में आए और इसके अलावा अमित शाह जी हरियाणा में आ चुके हैं, राजनाथ जी हरियाणा में आ चुके हैं जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसमें आ चुके हैं, हरियाणा में चुनाव में आ चुके हैं। तो क्या कारण तो अब जैसे मान के अब क्या है, इस चुनाव में 450 से भी अधिक जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में, 462 का आंकड़ा एक चुनाव आयोग से आया है जी जी। और पिछली बार 370 जो इंडिपेंडेंट थे वो चुनाव मैदान में थे और पिछली बार 7 उम्मीदवार इंडिपेंडेंट जो चुनाव जीते थे। इस बार आपने जैसे बताया कि 12 से 15, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक दर्जन से भी अधिक जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है या रीजनल पार्टियों के उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का, कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं जी। तो इसमें हम अगर बात करें तो इन सीटों की बात करें कि इन किन विधानसभा क्षेत्रों में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है या रीजनल पार्टियों के उम्मीदवार है वो भारी है, तो हम किलायत विधानसभा क्षेत्र को लेते हैं। किलायत विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के विकास सारण है, जो वर्तमान MP हैं, सांसद हैं हिसार से, उनके बेटे हैं विकास सारण, कांग्रेस पार्टी से हैं। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी से कमलेश ढांडा हैं, जो पहले भी निवर्तमान विधायक भी हैं, और इसके साथ साथ एक अनीता ढुल हैं इंडिपेंडेंट, जो कांग्रेस की टिकट की दावेदार थी, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने चुनाव मैदान में उतरी हैं। तो यहाँ दोनों जो सीटें, एक देखने वाली बात है कि अनुराग ढांडा है आप पार्टी से, आप पार्टी के बड़े बड़े
अच्छे बड़े, हाँ, बड़े अच्छे ऑरेटर हैं और वक्ता हैं, तो ये मुझे लगता है तीनों जो जाट समुदाय से ही, तीनों जो चार उम्मीदवार हैं जाट समुदाय से आते हैं जी। तो इन जो जाट समुदाय से जो जब आते हैं तीन चारों आए तो कलायत वैसे भी जाट बाहुल एरिया है, तो जाट बाहुल एरिया होने के कारण विकास सारण कांग्रेस से जाट वोटों पर ज्यादा दावा, उनका कमलेश ठंडा का भी जाट वोटों पर ज्यादा दावा है और अनुराग ढांडा का भी जाट वोटों पर ज्यादा दावा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां महिला होने के नाते अनिता ढुल कहीं ना कहीं सभी उम्मीदवारों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और एक जो एक बयान आया था एमपी जो जयप्रकाश जी का, बिंदी लिपस्टिक का, उन्होंने कहा था कि बिंदी लिपस्टिक लगाने से अगर कोई लीडर बनता तो मैं भी लिपस्टिक, वो बयान भी कहीं ना कहीं महिलाओं में और दूसरे रोष है लोगों में, अनिता ढुल हैं जो वो कहीं ना कहीं उस बयान को लेकर महिलाओं में जा रही हैं कि इस तरह की जो एक महिला विरोधी जो बयान है वो इस तरह के सांसद देते हैं, उसका फायदा इंडिपेंडेंट लेना चाह रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव मैदान में, इसलिए कहीं ना कहीं उनको उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। गन्नौर की हम बात करें तो गन्नौर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुलदीप शर्मा है, पूर्व स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, और उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के जो हैं देवेंद्र कौशिक हैं, और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जी वहाँ पे देवेंद्र कादियान जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो उनका एक सामाजिक जो एक कार्यों की बजाय उनका एक नाम है गन्नौर इलाके में, उन्होंने चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, एम्बुलेंस हो या पानी की सुविधा हो, गांव-गांव में उन्होंने इस तरह की जो सर्विस है ना एम्बुलेंस की सर्विस दी है और वहाँ के लोगों ने भी माना है कि एम्बुलेंस की सर्विस में जहाँ भी अब अगर हम किसी एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं तो एक घंटे के भीतर भीतर एम्बुलेंस हमारे लिए किसी भी हमारे जो आप परिवार में कोई अगर बीमार है तो उनको पानीपत या किसी दूसरे शहर में ले जाने के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध होती है। ये बड़ा उनका एक एम्बुलेंस सेवा में बड़ा देवेंद्र कादियान का बड़ा नाम हो रखा है और इसका कहीं ना कहीं उनको और सामाजिक कार्यों के साथ साथ भी इसका भी कहीं कहीं उनको फायदा मिल रहा है, सोशल वर्कर हैं तो इस वजह से उनको ये फायदा हो सकता है, सोशल वर्कर हैं और वहाँ की गन्नौर की जनता ने भी माना है जी। और इस को देखते हुए देवेंद्र कादियान कहीं कहीं दोनों कैंडिडेट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर और कांग्रेस के उम्मीदवार पर भी कहीं कहीं भारी। बहादुरगढ़ की हम बात करते हैं, बहादुरगढ़ में राजेंद्र जून को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है जी, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दिनेश कौशिक हैं, और राजेंद्र जून ने कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार बनाया, वहीं राजेश जून भी कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार थे, उनको कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिली जी और वो बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। और जो दूसरे चौथे उम्मीदवार हैं वहां पे शीला राठी हैं जो नफे सिंह राठी INLD के प्रेसिडेंट होते थे और उनकी पत्नी उनकी पिछले दिनों हत्या हो गई थी, और शीला राठी चुनाव मैदान में है। शीला राठी को कहीं ना कहीं एक सिंपैथी का जी कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल रहा है और वो एक अपना जो प्रचार अभियान है बहुत धुआंधार प्रचार अभियान चलाए हुए हैं, महिलाओं में बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं और ऐसी युवाओं को साथ लेकर अपनी टीम के साथ चलती हैं और अपने पिता के अपने पति के बारे में बताती हैं किस प्रकार से मेरे पति की हत्या हुई है और उसकी सिंपैथी का सहानुभूति का कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे भी जो शीला है वो आगे जाती है, शीला राठी कहीं कहीं दोनों उम्मीदवारों पर भारी पड़ रही है जी। हिसार की हम बात करते हैं जी, हिसार में कांग्रेस पार्टी ने रामनिवास राडा पर दाव खेला है, रामनिवास राडा जो सैनी बिरादरी से आते हैं जी, और दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर कमल गुप्ता हैं जो वर्तमान में मंत्री भी हैं और निवर्तमान विधायक भी हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जो RSS के थ्रू यहाँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आए हैं जी, और जो वहाँ पे एक जो सावित्री जिंदल हाँ जी जो सबसे भारी उम्मीदवार हिसार में सबसे भारी उम्मीदवार दिखाई दे रही हैं जी, सावित्री जिंदल भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहती थी
बिल्कुल, और उनको किसी न किसी तरीके से, जैसे आरएसएस का जो इसमें वो हुआ है, आरएसएस के माध्यम से जो डॉक्टर कमल गुप्ता टिकट लेके आए हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं सावित्री जिंदल की टिकट कटी। सावित्री जिंदल जैसा कि आपको पता है जो कुरुक्षेत्र के सांसद हैं नवीन जिंदल, उनकी माता जी हैं जी जी, और बड़ी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, और पंजाब कांग्रेस की लीडर भी रही हैं, ये कांग्रेस मंत्री भी रही हैं, कांग्रेस की लीडर रही हैं, और एक सबसे समृद्ध और सबसे अमीर अगर महिलाओं की बात करते हैं आज हिंदुस्तान में, एक नंबर पे सावित्री जिंदल का नाम आता है। बिल्कुल ठीक। तो उनका उनकी इंडस्ट्री वहाँ में हिसार में, और उनकी इंडस्ट्री से 15,000 से 20,000 लोग उनकी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं छोटी इंडस्ट्री से या बड़ी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं उसकी जो स्टील इंडस्ट्री है उनसे जुड़े हुए हैं, और हर चुनाव में सावित्री जिंदल को या जिंदल परिवार को उन लोगों का फायदा मिलता है, फायदा मिलता है। और सावित्री जिंदल के एक पक्ष में एक और बात जाती है, सुभाष चंद्र जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर राज्यसभा के सांसद भी गए थे जी जी जी, और सुभाष चंद्र ने भी सावित्री जिंदल का मुख्य रूप से उनका समर्थन किया है, और कहीं कहीं उनको सावित्री जिंदल जी को इसका भरपूर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, दोनों जी के संयोजक हैं ये अपने, हाँ हाँ चंद्र जी जी, तो दोनों जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, और उन पे कहीं कहीं सावित्री जिंदल भारी पड़ती नजर आ रही, और भारी पड़ती हुई नजर आ रही, इसका फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिसार में फ्रेंडली मैच भी खेल रही है, क्योंकि अगर सावित्री जिंदल जीतती हुई दिखाई देती है तो निश्चित रूप से आप मान के चलोगे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका समर्थन करेगी, और सावित्री जिंदल को जिताने की भरपूर उनकी कोशिश है। और इसी तरह से राणिया से हम की बात करते हैं, राणिया में कांग्रेस पार्टी के सर्वमित्र कंबोज हैं, एक पत्रकार रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर शिषपाल कंबोज हैं भारतीय जनता पार्टी से, दोनों मुख्य पार्टियों से जो कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है जी, कंबोज बरादरी के दोनों उम्मीदवार हैं, और कंबोज बरादरी के वहाँ कम से कम भी 12,000 से 14,000 वोट हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कंबोज बरादरी की दोनों पार्टियों ने दाव खेला है। और जो तीसरे और चौथे उम्मीदवार वहाँ पे हैं, चौधरी रणजीत सिंह है, जो अभी वहाँ के विधायक भी रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों विधायकी से अपने रिजाइन भी किया था, और अभी तक मंत्री बने हुए हैं, आगे क्या रहेगा आने वाले एक दो दिन में उनका कहीं कहीं फैसला भी होने वाला है। चौधरी रणजीत सिंह इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में मैदान में जी, और जननायक जनता पार्टी उनका समर्थन किया है उन्होंने। अच्छा, और जो चौथे उम्मीदवार हैं अर्जुन चौटाला है, INLD से, इंडियन नेशनल लोक दल से, और चौधरी अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं। वो चौटाला साहब का वो क्षेत्र रहा है, और अभय सिंह ने पहले रोड़ी से चुनाव लड़ा जी, बाद में इलाहाबाद और रोड़ी के बीच में राणिया पड़ता है, और मुझे लगता है INLD का ज्यादा प्रभाव वहाँ पे राणिया क्षेत्र में, INLD का ज्यादा प्रभाव है, उस प्रभाव का फायदा कहीं ना कहीं अर्जुन चौटाला को मिलने जा रहा है। हाँ, इनालो पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकता है, फायदा मिलने जा रहा है जी। और आपस में पिछले दिनों वहाँ पे जो पहला चुनाव था, गोविंद कांडा ने चुनाव लड़ा था, गोविंद कांडा के भाई हैं जो गोपाल कांडा, चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक भी, निवर्तमान विधायक भी, उन्होंने आपस में समझौता भी किया INLD ने और गोपाल कांडा ने, उसका भी फायदा कहीं कहीं, इनका भी कहीं कहीं, उनका भी राणिया में कहीं कहीं उनको फायदा मिलेगा। अब आते हैं इलाहाबाद पे, सिरसा डिस्ट्रिक्ट का इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र है। इलाहाबाद में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं भरत सिंह बेनीवाल हैं, वो पहले भी एक बार विधायक रहे हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे, पिछली बार कांग्रेस ने जो उपचुनाव में पवन बेनीवाल को टिकट दिया था, लेकिन उससे पिछली बार जो आम चुनाव थे उनमें वो कई चुनाव कांग्रेस पार्टी से हार गए थे। और जो अमीर मेहता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमीर चंद मेहता, उन्होंने पहले भी एक बार चुनाव लड़ा है, लेकिन उनको कोई ज्यादा इतना सॉलिड कैंडिडेट नहीं माना जा रहा है इलाके के लोगों से, अगर हम उन्होंने बात की है तो फीडबैक जो मिला है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी चौधरी अभय सिंह चौटाला है। चौधरी अभय सिंह चौटाला लगातार, चाहे उपचुनाव की बात करें, चाहे आम चुनाव की बात करें 2019 के, और बीच में जो किसान आंदोलन के समय उन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद चुनाव लड़ा और वो जीते, तो अभी भी ये सीट उनके लिए कहीं ना कहीं इलाहाबाद सीट
प्रकाश चौटाला के लिए सॉरी अभय सिंह चौटाला के लिए कहीं कहीं सुरक्षित मानी जा रही है, मानी जा रही। अब आते हैं हम पुनाना, पुनाना नू डिस्ट्रिक्ट की एक जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, पुनाना में कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद इलियास को उम्मीदवार बनाया है और उधर भारतीय जनता पार्टी ने एजाज खान को टिकट दिया है जी। और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वहां पे रईसा खान है जो पिछले चुनाव में मात्र 800 वोटों से आ रही थी और इस चुनाव में रईसा खान कहीं ना कहीं दोनों जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं ये कहीं ना कहीं दोनों जो उम्मीदवार हैं रईसा खान भारी पड़ती नजर आ रही, भारी पड़ती नजर आ रही। अब आते हैं सफीदों, सफीदों में कांग्रेस पार्टी ने सुभाष गांगुली को टिकट दिया है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पंडित राम कुमार गौतम को मैदान में उतारा है। राम कुमार गौतम जो पहले नानूंद से निवर्तमान विधायक हैं और अब की बार उनका जो हलका है वो बदला है और दोनों में बड़ा बड़ा धुरंधर एक चुनाव प्रचार अपने इलाके में कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे जो मजबूत उम्मीदवार जिनको कह सकते हैं बचन सिंह आर्य जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं बदलाल सरकार में और वो वहाँ से वहीं से सुविधों से विधायक रहे हैं तो उन्होंने वो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने से टिकट नहीं मिल पाई, वो चुनाव इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो इसके अलावा जसबीर देसवाल भी अच्छे कैंडिडेट वहाँ पे जी सफीदों में, हाँ सफीदों जसबीर देसवाल भी अच्छे कैंडिडेट हैं। सुभाष गांगुली और जसबीर देसवाल का मुझे लगता है एक ही गांव है और ये कहीं ना कहीं जो बचन सिंह आर्य की बात करें या जसबीर देसवाल की बात करें दोनों कैंडिडेट पर भारी है और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं राम कुमार गौतम जी उनका तो भारी विरोध वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है वहाँ पे बचन सिंह आर्य हों या जसबीर देसवाल हों वो कहीं ना कहीं दोनों कैंडिडेट पर भारी पड़ते आ रहे हैं नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम नरवाना, नरवाना से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सतबीर दबलैन है और सतबीर दबलैन की जो कांग्रेस पार्टी की टिकट आई है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के माध्यम से आई है जी जी। और रणदीप सिंह सुरजेवाला वहाँ दौरा कर चुके हैं और काफी बड़ा अच्छा प्रचार उन्होंने किया है और उसके लिए कल शायद मुझे लगता है सतबीर दबलैन के चुनाव प्रचार के लिए उनके पक्ष में जनसभा करने के लिए कुमारी शैलजा भी वहाँ पे आ रही है। तो दबलैन गांव वहाँ एक खाप है, नैन खाप में 52 गांव पड़ते हैं, 52 गांव कुछ ज्यादातर गांव तो आते हैं नरवाना विधानसभा क्षेत्र में, कई गांव दूसरे गांव आते हैं और बहुत जो बहुत कम गांव वो टोणा में भी आते हैं और उकराणा में भी आते हैं लेकिन नरवाना में जो नैन खाप जो बोलते हैं उनका पूरा दबदबा है और वे दबलैन गांव कहीं कहीं नैन खाप से दूर है, बिनान खाप से अलग है। वहाँ विद्या रानी है जो दनोदा की वो जो नैन खाप के लोग हैं विद्या रानी को अपना कैंडिडेट मानते हैं। वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो कृष्ण बेदी हैं, अब की बार कृष्ण बेदी कृष्ण बेदी चुनाव क्षेत्र बदला है शाहबाद से हैं, तो कृष्ण बेदी को भी कहीं ना कहीं लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। उधर सतबीर दबलैन को बनियान खाप से बाहर का उम्मीदवार मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो NLD की है विद्या रानी जो पहले 2 बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है, अब की बार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, NLD ने उनको उम्मीदवार बनाया है, NLD का बड़ा अच्छा वहाँ पे होल्ड रहा है नरवाना में और कहीं कहीं विद्या रानी दूसरे सभी कैंडिडेटों पर भारी पड़ रही है। तो अब बात करते हैं सिरसा की, सिरसा में कांग्रेस पार्टी गोकुल सेतिया हैं, गोकुल सेतिया और जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ उम्मीदवार नहीं है कोई भी, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था लेकिन गोपाल कांडा के फेवर जो में जो अलोपा के अध्यक्ष भी अलोपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके पक्ष में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अपना वो जो उम्मीदवार है वापस ले लिया है उम्मीदवारी उनकी।
तो अब दोनों मुख्य मुकाबला दोनों में ही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार न होने के कारण अब मुख्य जो टक्कर है गोपाल कांडा जो हलोपा के हैं और कांग्रेस के गोकुल सेतिया से उन्हीं में टक्कर है, और कहीं कहीं वहां पे चुनाव की जो अब बात करें तो दोनों ही कैंडिडेट मजबूत है, जबरदस्त मजबूत है, चुनाव कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से हम मान के चलते हैं कि 15, 16, 18 तक भी हो सकता है जो बागी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बागी उम्मीदवार है वो कहीं कहीं दोनों पार्टियों पर भारी पड़ रहे हैं। उनमें कुछ कैंडिडेट, एक दो कैंडिडेट आपका है, बाकी एनएलडी के कैंडिडेट हैं जो भारी पड़ रहे हैं, और दोनों पार्टियों के लिए वो जैसे मैंने पहले बताया सिरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी आस लगाए बैठी आज के चुनाव में के कहीं कहीं ज्यादा से ज्यादा एनएलडी के या रीजनल पार्टियों के कैंडिडेट जीत के आए या इंडिपेंडेंट जीत के आए और उनको अपने पक्ष में कर पाए और हमें हमारी सरकार बना पाए, तो ये आशा भारतीय जनता पार्टी को है और चिंता कांग्रेस पार्टी को है। मेरा सर बड़ी तफसील से आपने ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनके बारे में आपने बताया, अभी कहाँ कहाँ किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। मैं इतना जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी डेफिनेटली जो देख रहे होंगे प्रोग्राम को ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण है जो ये जो आपने बताई है सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनमें जो आजाद उम्मीदवार है या रीजनल पार्टीज के उम्मीदवार है वो हावी क्यों है, भारी क्यों है। और दूसरी तरफ एक और सवाल इसके साथ ही जुड़ता है कि अगर ये भारी जो उम्मीदवार आपको नजर आ रहे हैं और ये जीतते हैं तो जीतने के बाद ये किस पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं, किस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए राजेंद्र, जैसे मैंने बताया कि ये जो भारी उम्मीदवार हैं जितने हम कह रहे हैं इनके कारण सबसे पहले जानना चाहेंगे। 17-18 भारी उम्मीदवार है, ये सारे के मैक्सिमम ज्यादातर बागी उम्मीदवार है जी, और बागी उम्मीदवारों के साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी फ्रेंडली मैच खेल रही है जी। जैसे सावित्री जिंदल की बात करें और कई कैंडिडेट उनकी बात करें तो कहीं कहीं जो उम्मीदवार जीत के आए और हमें अपना समर्थन देंगे। इसी प्रकार से इंडिपेंडेंट पे भी उन्होंने नजरें गड़ाई हुई है, कौन कौन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कहाँ से चुनाव जीत कराते हैं। अगर लास्ट तक इंडिपेंडेंट चुनाव भारी रहते हैं तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी उनको सपोर्ट करने में, अपनी तरफ खींचने में, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा साहब, अभी इन दिनों में प्रचार की बात करें तो सब जो पार्टियां उन्होंने अपने अपने स्टार प्रचारक को मौका दिया है कि वो आए, जनता से लुभावने वादे करें, जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। इसके लिए अभी मोदी साहब बात कर रहे थे आप लोग की, कुरुक्षेत्र में भी आए थे, आज भी रैली है मोदी साहब की, अमित शाह जी भी आए थे, राहुल गांधी भी कल आने वाले हैं, मुझे लगता है असंध में शायद वो आने वाले हैं, केजरीवाल भी जो है वो धुआंधार इस समय प्रचार के मूड में और प्रचार कर रहे हैं। तो क्या इसके बावजूद क्या लगता है कि किस तरह की स्थिति जो है वो बन सकती है हरियाणा में, क्या जो प्रचार से ये जो आपने समीकरण बताया इनको कुछ तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए स्टार प्रचारकों की अपने बात की, जैसे गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है और इससे पहले कुरुक्षेत्र में भी कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र में की जो रैली में जो भीड़ के हिसाब से जो जिस तरह का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था उसमें मुझे लगता है उसका कोई ज्यादा चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ा है, और इसीलिए बहुत जल्दी दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोहाना हरियाणा आना पड़ा। जो चुनावी रैली थी प्रधानमंत्री जी की, उस रैली में भी एक हरियाणा का गुणगान किया और हरियाणा के जो हरियाणा के पूर्व में लीडर रहे हैं, चाहे सर छोटू राम जी की बात हो और चाहे पंडित लक्ष्मी चंद जी जो संगीत के क्षेत्र में, जो एक संस्कृति के क्षेत्र में उनका नाम है, और उनका नाम लिया और उनको याद किया, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों से जो अपना जो उनका चिर परिचित अंदाज है उसमें बात करने का की कोशिश, लोगों से जुड़ने की कोशिश की। लेकिन हरियाणा का जो वोटर है
मानते हैं हरियाणा के वोटर में, जो जो दिमाग में बैठा लेता है बातें शुरू से ही, वो कहीं कहीं लास्ट तक उन्हीं पे खरा उतरता है। मुझे नहीं लगता कोई किसी तरह का चुनाव माइंड कोई चेंज हरियाणा के लोगों का हो पाएगा। हाँ, दूसरी ओर क्योंकि अभी ज्यादा जो हवा की बात हम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की हवा दिमाग में, लोगों के दिमाग में कहीं कांग्रेस पार्टी का और ज्यादा जो जुनून है बढ़ता जा रहा है, तो उससे कल जैसे राहुल गांधी असंध में आने वाले हैं, तो दूसरी ओर वो राहुल गांधी की वेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे और क्या कहेंगे और कितनी भीड़ वहां पे इकट्ठी होगी और किस तरह का मैसेज हरियाणा के लोगों को दे पाएंगे। दो जो चुनावी सभा है प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, मुझे ज्यादा कोई बदलाव बड़ी बात नजर नहीं। यानी आपके कहने के अनुसार कि लोग जो है अपना माइंडसेट बना चुके हैं, तो इसलिए चाहे स्टार प्रचारक कोई भी आए या जो मर्जी जितना जिस टाइप का कम्युनिकेशन किया जाए कैंडिडेट के द्वारा उम्मीदवार के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का बदलाव बहुत ज्यादा बदलाव, क्योंकि लोग इस बार अपने एक मूड में हैं। हालांकि चुनाव का ट्रेंड था पीछे लोकसभा में भी हरियाणा को छोड़ के, लेकिन दूसरे जो स्टेट की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चुनाव के दौरान जो कैंपेन होता है उसमें दो दो तीन तीन दिन के बाद चुनाव का जो ग्राफ है पार्टियों का अप एंड डाउन होता है, लेकिन हरियाणा में मुझे लगता है हरियाणा के लोगों ने जो दिमाग में जो बैठा लेते हैं वो उसी पे लास्ट तक उसी पर। इस बार वैसे भी लोगों का माइंडसेट जो है बना हुआ है, प्रिपेयर्ड लगते हैं लोग इस बार जो भी है चुनाव के लिए, चुनाव के लिए प्रिपेयर्ड है मुझे लगता है, जो अपना तैयार है। सो दोस्तों, हरियाणा के जो चुनाव हैं उनमें हमारे मेहरा साहब के अनुसार इस बार दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपना पूरा जोर लगाएंगी, बावजूद इसके जो डेढ़ दर्जन के करीब जो आजाद उम्मीदवार या क्षेत्रीय पार्टी के उम्मीदवार है जो इन पर भारी पड़ सकते हैं और इन समीकरणों को तोड़ मरोड़ कर एक नए समीकरण बना सकते हैं। दोस्तों, चुनावी चर्चा के अगले एपिसोड को ले देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई कमेंट है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट जरूर करिए। आपका जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। सो दोस्तों, देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद रंजन जी।